एक गांव में बहादुर शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही भावुक इंसान था। हर एक बातों में, हर एक समय में वह किसी न किसी चीज पर आधारित रहता था और गांव के लोगों को भी परेशान किया करता था। ऐसे ही एक दिन कामाक्षी नाम की शर्मा की पत्नी, क्या जी आप अभी तक इधर ही हो, जाना नहीं है क्या? उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, पंडित जी होकर आप इतना लेट जाओगे तो कैसे चलेगा? क्या कामाक्षी, क्यों मुझे जल्दी जाने के लिए कह रही हो? अभी खराब समय चल रहा है, इस समय बाहर जाना अच्छा नहीं है, और थोड़ी देर रुकना है मुझे। मतलब शादी मुहूर्त पर नहीं होगी? आपकी मर्जी के समय पर ही शादी करवानी थी तो मुहूर्त रखने की क्या जरूरत थी? आपकी भावुकता बाजू में रखकर पहले जाओ यहाँ से। पहले ही वो लोग मेरे माँ के रिश्तेदार हैं, आपकी वजह से मुझे डांट पड़ेगी। ठीक है माँ के रिश्तेदार इसलिए दिमाग खा रही है क्या? जाता हूँ ऐसा कहकर जाने लगता है। तभी कामाक्षी, शर्मा पैर धोकर मुंह में पानी लेकर कुल्ला करता है, फिर अंदर चला जाता है। खाना खाते समय वाह वाह
बहुत धन्यवाद। बुरा ना मानना बहन, क्या मुझे थोड़े बड़े मिल सकते हैं? मुझे क्षमा कीजिए, दरअसल वो क्या है, मेरे घर में कोई बड़े नहीं खाता है। आप बुरा मत मानिएगा। इसमें क्या बुरा मानना है, मैं रास्ते में किसी से मांग लूंगा। वैसे खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। गंगा माँ के घर खाना खाने के बाद वो रास्ते से घर लौट रहा होता है, मन ही मन सोचता है चलो अच्छा हुआ गुरु जी ने जैसा कहा ठीक वैसा ही मैंने भोजन किया। चलो कामाक्षी के झूठे आम के साथ कुत्ते का झूठा शुद्ध हो गया। एक चीज की कमी रह गई, वड़े खाने नहीं मिले। अगर किसी ने वड़े खिला दिए तो बड़ा मजा आ जाएगा। ऐसे ही कुछ दूर जाकर एक घर के पास रुक कर भाई साहब क्या मुझे वड़े खिलाओगे, मुझे खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। हाँ क्यों नहीं, अब रुकिए मैं लाता हूँ। घर के अंदर जाकर वो वड़ा लाकर देता है। शर्मा तुरंत ही उस वड़े को खाने लगता है। अरे आप तो खाने में बहुत ही फास्ट हो, एक ही बार में इतना बड़ा वड़ा खा लिया। मेरे घर में मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी बहू और उसके बच्चे भी, एक बार में इतना बड़ा वड़ा कोई भी नहीं खा पाया है आज तक। क्या मतलब आप सभी ने वड़े को पहले से ही झूठा किया था? अरे बाप रे। वो तुरंत वहाँ से भाग कर पानी से कुल्ला करता है, तभी एक आदमी वहाँ आता है और उससे कहता है, क्या पंडित जी अगर पानी चाहिए तो मुझसे मांग लेते, इस पानी को मैंने मेरे भाई के लिए भरा था, वो अभी ये पानी पीकर चले गए। भाई ने पिया हुआ पानी आप किसे पी रहे हो? क्या ये भैंसों ने पिया हुआ पानी है? लोगों को खाना खिलाकर भेजती है, उस महान स्त्री के हाथों का खाना खाकर तुझे कुछ सीखने को मिले इसलिए भेजा।